बार 2.49%। 5 राज्यों में मृत्यु दर का आंकड़ा 0। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों में भारत से 8 गुना अधिक संक्रमण, जबकि 14 गुना अधिक हुई मौतें। अब तक देश में 6,77,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामले हुए 3,73,000 से ज्यादा। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 26,816। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 मरीज स्वस्थ। बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम राज्य के दौरे पर। देश में सरकार का ध्यान कोविड-19 के मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है केंद्रित। राज्य में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर होगी उपलब्ध। दिल्ली में भारी बारिश। मौसम विभाग ने कहा 21 जुलाई तक राजधानी NCR में बारिश की आशंका। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में डिजिटल तकनीक के माध्यम से न्यायालयों में हुई मामलों की सुनवाई। केंद्रीय कानून एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 7,800 जबकि हाई कोर्ट में 1,75,000 और सब ऑडिटिंग कोर्ट्स में 7,34,000 मामलों की डिजिटल तरीके से की गई सुनवाई। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,00,000 से ज्यादा। 6,00,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कुल 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 50 में 41 प्रांतों में लगातार हो रही है कोविड-19 के मामलों में वृद्धि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी इजाफा। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर हुई 6 करोड़। देखिए मैं आज को 40 साल से सोना पहन रहा हूँ। सोना मेरा बहुत शौक है, इसीलिए कटक में मेरे को आदमी गोल्डमैन बुलाते हैं। आज को 1 महीना नीचे हम नेशनल TV चैनल में देखा, बॉम्बे का एक आदमी गोल्ड का मास्क बनाया था। ये हरियाणा में और पूरे देश में ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एक कोविड की बीमारी जिसके लिए कोई रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें PGMS रोहतक एक है। आज हमने 3 सब्जेक्ट्स को ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट किया है और शुरू में ये जांच किया गया कि उन्होंने इस वैक्सीन को बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है और उनके अंदर कोई भी इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। और ये शुरू में जो रिज़ल्ट आए हैं इससे एनकरेज होकर आज हमने 10 पेशेंट्स का और भी कोविड टेस्ट किया है और बाकी भी जांच की है। अगर उनका रिजल्ट भी हमें ठीक मिलता है तो ये कल कुछ और पेशेंट एनरोल किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि जैसा हमने सेल लाइंस की स्टडी में देखा गया है और एनिमल ट्रायल्स के अंदर देखा गया है पूरे देश के अंदर, तो उससे एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और ह्यूमन ट्रायल में भी एंटीबॉडी अच्छी बनेगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन
का आज ह्यूमन ट्रायल रोहतक पीजीआई में आरंभ किया गया। आज 3 लोगों को वो दवा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, जो कि एक बहुत सुखद समाचार है। और